आम आदमी पार्टी के नेता स्वाति मालेवाल ने इंजाम लगाया कि 13 मई के दिन जब वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके घर गई तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार अचानक से आए, बिना किसी प्रोवोकेशन के उन पर चिल्लाने लगे, उन्हें गालियां दी और उनके साथ मारपीट करी। इस इंसिडेंट के 3 दिन बाद स्वाति ने पुलिस में शिकायत करी। कंप्लेन में बहुत गंभीर आरोप लगाए गए, जैसे कि इन्हें लातें मारी गई थी। इन्होंने लिखा ये एक्सट्रीम पेन में थी, लेकिन बाद में जब इस इंसिडेंट का एक वीडियो सामने आया तो उसमें कुछ और ही दिखा। इस वीडियो में स्वाति बैठी हुई थी और विभव कुमार और सिक्योरिटी स्टाफ के साथ वो खुद अभद्र भाषा में बात करती हुई दिख रही थी। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तीन से चार दिन बाद जब स्वाति पुलिस के साथ दिखी तो वो लंगड़ाती हुई दिखी, लेकिन फिर एक और वीडियो सामने आया, इस बारी सीसीटीवी फुटेज का उस दिन की। इसमें दिखता है कि जब वो सीएम हाउस से बाहर निकली तो वो बड़ी तेजी से चलकर गई थी और पेवमेंट से कूद कर गई थी। क्या स्वाति यहाँ पर झूठा आरोप लगा रही थी? आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बीजेपी की एक साजिश थी और इसके लिए स्वाति को एक मोहरा बनाया गया। विभव कुमार ने भी स्वाति मालेवाल के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई और उसमें कहा कि उस दिन स्वाति के पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी, वो सीधा सीएम हाउस के अंदर आई और रेजिडेंशियल एरिया के अंदर घुसने की कोशिश करी। विभव ने उन्हें रोकने की कोशिश करी और स्वाति को गुस्सा आ गया और स्वाति ने उन्हें धक्का मारा। उसके बाद धमकी दी कि उन्हें झूठे केस में फंसा देंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन यहाँ पर सच बोल रहा है? दोनों वीडियो फुटेजेस हमारे पास यहाँ पब्लिकली अवेलेबल है। न्यूज 18 की भी एक ये रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि जब आम आदमी पार्टी अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी तब स्वाति मालेवाल अमेरिका चली गई थी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भी वो वापस नहीं आई और पार्टी के अंदर उनके खिलाफ काफी नाराजगी बढ़ने लगी थी। अप्रैल में जब वो वापस आई तो सुनीता और अरविंद केजरीवाल ने उन्हें मिलने की कोई अपॉइंटमेंट नहीं दी। शायद उन्हें लगा कि उनके इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा जा रहा। अगर वो सब्र रखती तो शायद केजरीवाल उनसे मिलते, लेकिन उन्होंने इंतजार नहीं किया। नोट करने वाली बात ये भी है कि कितनी तेजी से बीजेपी कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर एक्शन लिया। दिल्ली पुलिस ने तुरंत विभव कुमार को अरेस्ट कर लिया। गोदी मीडिया ने 2400 घंटे इस खबर को अपने टीवी चैनलों पर चलाया, लेकिन जब बात ब्रिजभूषण और प्रज्वल रेवन्ना की आती है ना तो पुलिस कोई एक्शन लेती है ना ही मीडिया उनकी खबर सुनाता है। उल्टा बीजेपी ने तो ब्रिजभूषण के बेटे को भी टिकट दे रखी है।